गुरुग्राम की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही छात्राओं की इस भीड़ में गुस्सा है। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की बस पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ गुरुग्राम में भी रोष प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया और सैकड़ों की संख्या में छात्राएं इकट्ठा होकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के घर पहुंची और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इन छात्राओं ने मांग की कि अब समय आ गया है आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का। मैं शिखा राघव, सेक्टर 14 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रेसिडेंट, मैं मोदी जी के साथ हूँ, मेरा पूरा कॉलेज साथ है, पूरा यूथ साथ है। मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक 2 चाहिए। वी वांट जस्टिस। हमको उनके परिवार वालों के लिए भी पूरी वो चाहिए, गवर्नमेंट उनके लिए करे, सरकारी नौकरी दे और उनका बदला लिया जाए। आज कहां से कहां तक लोग आप लोग आए हैं जुलूस निकालते हुए? हम कॉलेज से लेके मंत्री जी से मिले हैं ताकि वो हमारी बात आगे तक पहुँचाए। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी बात जल्द से जल्दी ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी और उन्हें भी दुख है, वो हमारे देश के सैनिकों का बदला जरूर लेंगे। और साथ ही छात्राओं की इस मांग पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने भी सहमति जताई और कहा कि सारा देश इस हमले की कड़ी निंदा करता है और हरियाणा सरकार भी इस हमले के खिलाफ है। नौ के साथ है, जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की उसकी सारा देश निंदा करता है। उन सब शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे और उम्मीद करता हूँ कि देश इस बारे में जो कार्रवाई चाहता सरकार इसके बारे में कार्रवाई जरूर करेगी। आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश पूरी करूँगा जो आज हम तक पहुँच जाएगी।